बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आयशा गिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चीज़ों से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं दही भले। इसके लिए मैंने ये 4 से 5 आलू, इनको उबाल के, तो मैंने इनको इस तरह छोटी कटिंग कर ली है इसकी। 1 कप मैंने चने लिए हैं, उनको मैंने भिगो दिया था सोडा डाल के खाने वाला, और उसके बाद मैंने उनको उबाल लिया है नमक डाल के। ये प्याज है, बिल्कुल लच्छादार बारीक कटिंग की हुई है इसकी, और इसे मैं पानी में भिगो दिया था ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो निकल जाए। 1 मैंने टमाटर लिया था, टमाटर को भी मैंने अंदर से इसके बीज निकाल के तो बारीक इसको छोटी छोटी कटिंग कर ली है इसकी। 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, ये भी मैंने बारीक कटिंग कर ली है, और कुछ जाएगी इसमें बंद गोभी, ये भी बारीक लच्छादार मैंने कटिंग की हुई है। इसके अलावा इसमें जाएगा दही। दही मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब लिया है, और मैंने ली हैं पकौड़ियाँ। इनको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पानी में भिगो के रख दिया था ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएं। अभी भी पानी में भीगी हुई हैं। इसके अलावा ये है पुदीना, धनिया और हरी मिर्च की चटनी, और वो है इमली की खट्टी मीठी चटनी, उसकी रेसिपी भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और पुदीने की चटनी की भी रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब इन सब चीज़ों को करते हैं मिक्स। पानी निचोड़ कर इसमें पकौड़ियाँ ऐड कर दूंगी। ये कुछ मैं गार्निश के लिए बचा के रख लूंगी। मैं मीठी चटनी इसमें कम ही डालूंगी अभी, क्योंकि बाकी जिसने बाद में खानी होगी वो अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लेगा। अब इसमें ऐड करूंगी मैं चाट मसाला। दही जो है वो हमेशा आप सर्विंग के टाइम पर इसमें ऐड किया करें, क्योंकि ये दही आप जितना मर्ज़ी इसमें ऐड कर दें तो वो जो है सारा का सारा जो है ये चीज़ें अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती हैं, सक कर लेती हैं दही को, जिसकी वजह से दही ना होने के बराबर हो जाता है। बाज़ार में भी अक्सर आपने देखा होगा, जब भी आप लोग दही भल्ले वगैरह खाने जाते हैं तो वो अलग आपको इस तरह प्लेट बनाकर अलग से फिर ऊपर से दही डाल कर देते हैं। उन्होंने इसी तरह से सूखा सारा रखा हुआ होता है बनाकर, और फिर एंड पे वो दही डालकर, तो चटनियाँ वगैरह डालकर, तो आपको प्लेट जो है वो पेश करते हैं। हमने क्योंकि अभी खाना है इसलिए मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। हाँ जी, मज़ेदार से झटपट से दही भले हमारे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, तो आपके सामने मैंने इनको रेडी किया है। आप भी बनाएं और मज़े उठाएं। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।